बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स डेस्क और मैं हूं अली नियाज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम में मौजूद खबरों पर जानने से कबल बरहरास्ते चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान ने एक तकरीब से खिताब किया है। आइए उन्हें गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। ज़ायद पोलिंग स्टेशनों का सर्वे करना, इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत सियासी जमातों की एनलिस्टमेंट और इन्हें इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट, कोड्स ऑफ कंडक्ट का इजरा, सरकारी प्रिंटिंग प्रोसेस में बैलेट पेपर्स की बरवक्त प्रिंटिंग को यकीनी बनाया, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए वाटरमार्क कागज़ की बैरूनी मुल्क से दरामद को यकीनी बनाना वगैरह शामिल हैं। इसी तरह आम इंतखाबात के फौरी बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की 38 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाना भी एक बड़ी मश्क थी। नंबर 8, कबायली अज़ला की खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के नतीजे में सूबाई असम्बली की नई नशिस्तों की इंतखाबी हलका बंदी की गई और 20 जुलाई 2019 को इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी को भी बरवक्त और बखूबी निभाया गया। इलावा अज़ीं ख्वातीन के लिए मुख्तस 4 और गैर मुस्लिमों के लिए मुख्तस 1 नशिस्त पर इंतखाबी अमल को भी मुकम्मल किया गया। नंबर 9, जैसा कि आपको मालूम है कि इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी का अमल दखल एक खास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। प्रोग्राम में जो हमारे पास खबरें मौजूद थे उनका अहवाल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सब जानते हैं कि हम प्रोग्राम में मुल्क भर से खबरें शामिल करते हैं, तो आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं कवालिया से, जहां पर करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई 1122 की बिल्डिंग को फ़ाल नहीं किया जा सका है। बहुत से मकाम ऐसे हैं जहाँ पर यह सहूलियात मुहैया तो करने की कोशिश की गई है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होने के बावजूद अभी तक ये इदारे फ़ाल नहीं हो पाए हैं। वजह क्या है, क्यों ये सूरत हाल है, ये जानेंगे। मलिक आबिद असलम हमारे साथ होंगे। आबिद, क्या बताएंगे इस हवाले से? कमालिया में बनाए गए 1122 के ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ये 1122 का जो है दफ्तर अभी तक फाल नहीं हो सका। ये आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है लाखों करोड़ों रुपए की जो खतीर रकम है वो खर्च करके इस जो बिल्डिंग को जो बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद ये बिल्डिंग जो अभी तक फाल नहीं की जा सकी। ये आपको बताते चले कि ये जो बिल्डिंग है ये 1122 की बिल्डिंग है और यहाँ पर जो है लोगों को सहूलत देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो सहूलत जो तिब्बी इमदाद मुहैया करती है उनसे कमालिया के लोग जो हैं वो महरूम हैं। ये भी आपको बताते चले कि यहाँ पर जो लोगों के टैक्सेस हैं वो तो लोग देते हैं, लेकिन लोगों को वो सहूलियत मुहैया नहीं है। कल भी यहाँ पर 2 हादसे हुए हैं रोड पर, जिससे एक बच्चा अपनी जो है जान गवा बैठा है और एक माँ की जो गोद उजड़ चुकी है। और साथ साथ ये भी बताएं आपको कि यहाँ पर एक जखड़ रोड वाक़ है, वहाँ पर एक कार जो है उसको आग लगी और जो जख्मी है वो उनको जो है DH को टोपा पहुँचाया गया। लेकिन कमालिया से अगर ये 1122 का जो ऑफिस है ये अगर फाल होता तो मजीद जो है जो परेशानियों का सबब जो है सामने ना आता। तो ये अहले इलाका अहले कमालिया की ये पुरजोर अपील है कि फौरी तौर पर जो जिम्मेदारान हैं, जो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, उनको चाहिए फौरी तौर पर 1122 की इस बिल्डिंग को जो है फौरी तौर पर फाल किया जाए। ये देखिए ये ताला जो है ये अवाम को और इस्लाम हमारे साथ आप मौजूद थे। नाजिन, आप देख रहे थे कि ना सिर्फ इस जो बिल्डिंग है उस पर ताले लगे हुए हैं, बल्कि कोई अमला वहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर कोई हंगामी हालत बन जाती है तो उस हवाले से सिवाय जो फायर ब्रिगेड लोकल गवर्नमेंट का हुआ करता है या एम्बुलेंस सर्विसेज जो कि मुख्तलिफ प्राइवेट सूरत हाल में होती हैं, उसके अलावा सरकारी तौर पर कोई वहाँ पर सूरत हाल ऐसी मौजूद नहीं है। ओकाड़ा से बात करते हैं नाज़रीन, जहाँ पर सालाना तलबा कन्वेंशन आर्ट्स काउंसिल ओकाड़ा में इस वक्त जारी है। वहाँ से हमारे रिपोर्टर शाहिद खोखर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। शाहिद, क्या बताएंगे इस हवाले से?
जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं उकाड़ा आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक तलबा की जानिब से एक जो प्रोग्राम रखा गया है जो खसूसन तलबा के लिए इन्होंने रखा है, इस्लामी जमीयत तलबा उकाड़ा की जानिब से प्रोग्राम है। इसी हवाले से हम मज़ीद जानते हैं, हमारे पास प्रोफेसर तरवीर साहब मौजूद हैं, मज़ीद इनसे हम इस बारे में पूछते हैं। जी सर बताइएगा क्या प्रोग्राम है? ये स्टूडेंट एजुकेशन एक्सपो है, इसी उकाड़ा के नाम से इसको नाम दिया गया है और ये गुज़श्ता 3 साल से जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, इस दफ़ा ये 4th प्रोग्राम है। इसमें तमाम जो तलबा हैं खासतौर पर ज़िला उकाड़ा के स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स के कॉलेज के, उनके मबैन पहले मुकाबले करवाए गए हैं, नात के, किरत के, तलावत के और तकरीरी मुकाबला जात करवाए गए हैं। उन मुकाबला जात के अंदर जिन तलबा ने इम्तियाजी पोजिशन हासिल की हैं उनके इनको यहाँ पर प्राइज़ दिए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टेबल शोज होते हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें पूरे ज़िला उकाड़ा के स्कूल और कॉलेज जो है हम पार्टिसिपेट करते हैं और इस सारी जो तकरीब का जाने का सेहरा जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा के सारे है और वो बड़ी मेहनत से और बड़ी जानफिशानी से इस तकरीब को हर साल इसका इंतजाम करते हैं और पूरे उकाड़ा की जो काबिल शख्सियात हैं वो इसमें शिरकत करती हैं और स्टूडेंट्स को उनकी क्या। शाहिद खोखर हमारे साथ आप मौजूद थे उकाड़ा से और उकाड़ा की सूरत हाल आप हमारे नाज़रीन के सामने रख रहे थे। पत्तों की सराजन बात करते हैं पत्तों की, जहाँ पर बुनियादी मरकज़ सेहत की बिल्डिंग मौजूद है लेकिन वो बिल्डिंग एक अरसा हो चुका बिल्कुल गैर फाल है और अब वो एक भूत बंगले की सूरत अख्तियार कर चुकी है, बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रही है। वो बिल्डिंग आपको दिखाते हैं और हमारे रिपोर्टर काशिफ रफ़ी हमारे साथ हैं, उनकी ज़ुबानी सुनाते भी हैं कि इस वक्त उस बिल्डिंग के हालात क्या हैं। काशिफ क्या बताएँगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूं पत्तों की केनवाई इलाके जो सिंह वाला में, जहाँ का बुनियादी मरकज़ सेहत अरसा 10 साल से टूट फूट कर भूत बंगले का मंजिल पेश कर रहा है और चोरों की माजगा बन चुका है। जबकि यहाँ के अमले को फर्नीचर समेत इलाके में मौजूद यूनियन कौंसिल के दफ्तर में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ जगह कम होने की वजह से स्टाफ के साथ साथ मरीजों को भी शदीद परेशानी का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि उन्होंने कई बार मकामी MNA, MPA और मुतलका महकमे को दरख्वास्तें दी हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। अहले इलाका ने वज़ीरे सेहत और वज़ीरे आला पंजाब से अपील की है कि इस बुनियादी मरकज़ सेहत नए सिरे से तमीर किया जाए ताकि लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलतें मिल सकें। ठीक है काशिफ रफ़ी हमारे साथ आप मौजूद थे, हमारे साथ आपने हमारे नाज़रीन को बताया है और दिखाया है नाज़रीन की बुनियादी मरकज़ सेहत उसकी बिल्डिंग जो है वो किस कदर खस्ताहाली और टूट फूट का वहाँ पर शिकार है। कोट बात करते हैं कोट मिठन से, जहाँ पर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद के उर्स की तकरीबात जारी हैं। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग ये हस्ती हैं जो कि इस वक्त सालाना 122वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है। हमारे साथ सलीम अख्तर हैं, वहाँ से हम उनसे बात करते हैं। सलीम अख्तर क्या बताएंगे आप इस हवाले से? जी अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट मिठन में, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद का सैर और मुबारक जारी है। तो यहाँ पे ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पे अगर स्कूटी के हवाले से बात की जाए तो DPO आसन सैफुल्ला साहब का कहना है कि उन्होंने जो है ना 1000 के करीब जो है ना स्कूटी तैनात किए हुए हैं। यहाँ पे अपना CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, वॉक थ्रू गेट्स भी लगे हुए हैं और मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं, जबकि कोट मिठन के मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पे इन पाबंदियों की वजह से लोग हमें आने जाने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। तो हम दरबार घरों में भी नहीं जा सकते, मार्केट में भी नहीं जा सकते, दरबार पे भी नहीं जा सकते, जबकि हर साल की तरह इस साल जो है। अली मख्तर ठीक है, हमारे साथ आप मौजूद थे और वहाँ की सूरत हाल आप हमारे नाज़रीन को बता रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ के हम बात करते हैं घोटकी से, जहाँ पर आप सब जानते हैं सिंध में ख़ास तौर पर आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात मौजूद हैं। एक वाक़या इसी तरह का एक घोटकी में रोनमा हुआ है और वहाँ पर भी आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा होता चला जा रहा है। मोहम्मद अली मलिक हमारे साथ होंगे, हम उनसे बात करेंगे। मोहम्मद अली मलिक क्या बताएंगे इस हवाले से? बिल्कुल, ज़िला भर में कुत्ते मार मुहिम शुरू ना हो सकी तो ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में आए रोज़ कुत्ते के काटने के वाक़यात पेश आ रहे हैं और आज इस वक्त हम मौजूद हैं उबाड़ों के तहसील अस्पताल में। हमारे साथ जो है इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर मुमताज़ हुसैन डेर साहब मौजूद हैं। आइए इस हवाले से इनसे जानते हैं कि कुत्ते के काटने के वैक्सीन के हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
जहाँ तक कुत्ते काटने की वैक्सीन एआरवी का मसला है, तो हमारे एआरवी कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं, इस वक्त भी हमारे पास मौजूद है, ये हकीकत है। तो 10 से 20 केसेस डेली हमारी हॉस्पिटल में आ रहे हैं और सबको एआरवी हम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक बात है, तो मुझे ये कन्फर्म है, तो डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में एआरवी अवेलेबल है और जो भी केस जहाँ हॉस्पिटल में जा रहा है वहीं उसको एआरवी मिल रही है। कहीं पे भी एआरवी की शार्टेज या ना होने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि उबाड़ो तहसील अस्पताल के एमएस डॉक्टर मुमताज हुसैन ढेर का कहना है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है कुत्ते के काटने के वैक्सीन। ठीक है, हौदने मलिक हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़िम खान बेला से बात करेंगे, वहाँ पर भी आवारा कुत्तों के काटने का वाकया जो है वो सामने आ चुके हैं। 4 बच्चों को जो है वो आवारा कुत्तों ने काट दिया है, अस्पताल वैक्सीन दस्तियाब नहीं है। इमरान ज़िया हमारे रिपोर्टर वहीं पर मौजूद हैं। इमरान ज़िया, क्या बताएंगे इस हवाले से? बिला के नवाही इलाका तरंडा मोहम्मद पनाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज 4 मासूम बच्चों को आवारा कुत्ते ने काट लिया है। तो इलाके में खौफ और हिरासत फैल चुका है, तो मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, आइन से पूछते हैं। जी जी, ये 4 बच्चों को आवारा कुत्तों ने काटा है। इससे कबल भी मुतादिद अफराद को, मुतादिद बच्चों को स्कूल जाते हुए या अपने गिरदोनवा में काम काज के सिलसिले में जाते हुए आवारा कुत्तों ने काटा है। तो यहाँ पर तंडा मोहम्मद पनाह से लेकर गिरदोनवा, जानपुर, ठोल हमजा, लियाकतपुर खान मेला, कहीं पर भी जो है वैक्सीन है वो दस्तियाब नहीं है कुत्ते काटने की। तो इस सिलसिले में जब भी हम लोग हॉस्पिटल का रुख करते हैं तो वो यही कहते हैं कि महकमा हेल्थ ने जो है हमें ये जो वैक्सीन है वो मुहैया नहीं की है। तो इस सिलसिले में काफ़ी लोगों में खौफ व हिरास पाया जाता है, बच्चों को स्कूल जाने में भी काफ़ी मुश्किल का सामना है। तो मेरी हुकाम बाला से यही सदा है कि वो हर सेंटर में जो है वो वैक्सीन जो है मुहैया करें। जी, इनका कहना है कि जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनको बहुत ही मुश्किल का सामना करना। ज़िया, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे, हमारे नाज़रीन को इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, करोड़ लालिसन से बात करते हैं, जहां पर गाज़ियाबाद के इलाके को 40 साल बाद बिजली फराहम कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एम एन ए हाजी अब्दुल मजीद खान नियाजी की खसूसी काविश में बताया जा रहा है कि 40 साल से गाज़ियाबाद की आवाम का एक दृढ़ मुतालबा था जो क्या पूरा कर दिया गया है। अनवर शाह हमारे साथ होंगे, हम उनसे बात करेंगे। अनवर, क्या बताएंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के नवाही चक 293 TDA में। उम्मीदवार चेयरमैन UC 306 नुमान गुराया की निशानदाही पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MNA हाजी अब्दुल मजीद खान की खसूसी काविश पर ये खंभे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये खंभों का एक 40 साल से एक संगीन मसला था जो हल हो रहा है। यहाँ पर नंगी और लटकी तारें जो इलाके को एक मौत का पैगाम दे रही थी उससे भी छुटकारा हासिल किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ उम्मीदवार UC 306 नुमान गुराया भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये एक संगीन मसला था इलाके के लिए, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी अनवर भाई, ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये ना तकरीबन 40 साल से लोगों का बहुत यूनियन काउंसिल 306 में प्रॉब्लम था बिजली का, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हाजी अब्दुल मजीद खान की ज़ाती काविशों से ये जो मनसूबे हैं बिजली के, इंशाल्लाह मैंने 6 माह में ये जितने भी 306 यूनियन काउंसिल में मनसूबे हैं इंशाल्लाह मैंने कम्प्लीट करने हैं। बहुत सारी पहले भी हुकूमतें गुजरी हैं, सब दावे करते रहे हैं, हमने दावे नहीं करने, हमने काम से आगाज़ करना है, पहले काम फिर बाद में बातें। पहले जितने भी लोग गुजरे हैं वो बातें करते थे, काम बाद में करते थे, लेकिन हमने पहले काम करना है, बाद में बातें करने हैं, क्योंकि हमको लोगों के पास जाने की जरूरत ना पड़े। हम काम करेंगे और लोग इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे, और जितने भी 306 यूनियन काउंसिल के लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका गली का, पुली का, सोलंग का कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं इंशाल्लाह 24 घंटे इस आवाम के लिए हाज़िर हूँ। और ये 306 यूनियन काउंसिल इंशाल्लाह, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह एक साल में मैं ऐसा नक्शा बदलूँगा कि ये NA 187 में यूनियन काउंसिल 306 एक अलग नज़र आएगी आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आप सब मेरा साथ दें। ये कोई आप ये ना समझें, पार्टी जिसकी जो भी हो, लेकिन आवाम के काम करने चाहिए। मेरा एक ही मिशन है लोगों के काम करने, और इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा, आप मेरा साथ दें। मैं इंशाल्लाह फ्रंट पे, मैं इंशाल्लाह बैक पे, आप सपोर्ट करें, आप उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, ये कहना था उम्मीदवार चेयरमैन UC 306 नुमान गुराया का कि तहरीके इंसाफ का ये विज़न है कि आवाम के मसाइल उनके दहलीज पर हल किए जाएंगे। हमारे साथ आप मौजूद थे, हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। जड़ावाला से नाज़रीन बात करेंगे, जहाँ पर मोटरवे रोड सेफ्टी के हवाले से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक सेमिनार का अहतमाम किया गया है। इस सेमिनार से हमारे साथ कमर अब्बास, हम उनसे बात करते हैं। कमर अब्बास, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को?
بالکل اس وقت جڑاوالہ کے گورنمنٹ مڈل ہائی اسکول گورنمنٹ مڈل اسکول میں موجود ہوں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے پہ جو ہے موٹر وے حادثات کی جو حادثات میں بہت ہی اضافہ ہو رہا ہے. اسی سلسلہ میں جو موٹر وے پولیس ہے وہ بہت ہی متحرک ہے, اور جڑاوالہ میں جو اسکولز ہیں کالجز ہیں اس میں وہ جا کر سیمینارز کر رہے ہیں روڈ سیفٹی کے لیے, اور ڈرائیونگ کے جو قوانین ہیں ضوابط ہیں اس کو بتانے کے لیے بچوں میں جو کالجز ہیں اسکول میں جا کے یہ اویئرنیس دے رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ انچارج جو موٹر وے کے روڈ انچارج میرے ساتھ موجود ہے ماجد صاحب, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور آپ بچوں میں جو اویئرنیس دے رہے ہیں ڈرائیونگ کے حوالے سے آپ تفصیلاً ذرا بتائیں. جی بہت شکریہ, میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جڑاوالہ کی وساطت سے یہاں سے آپ نے جو نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا تھوڑا سا میں مقصد آپ کو یہ بتا دوں, چونکہ ہمارے نصاب میں آج تک روڈ سیفٹی ایجوکیشن کو اس لحاظ سے شامل نہیں کیا گیا جو کہ بہت ضروری تھا, تو اب یہ بیڑا موٹر وے پولیس نے اٹھایا اور روڈ سیفٹی اویئرنیس پروگرام کے حوالے سے جو ہم سیشنز کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ بتایا جائے کہ یہ موٹر ویز آپ کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, موٹر ویز کے اوپر آنے کے کیا سہولت ضوابط ہیں, اور سب سے پہلے وہ ڈرائیونگ کی بیسک چیزیں جو کہ بچپن میں پتہ ہونی چاہیے یا ڈرائیونگ اسکولز میں جو بتائی جانی چاہیے, بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا, تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اب یہ موٹر پولیس سیکٹر M3 جو اس کو M3 جو ہماری لاہور سے عبدالحکیم تک ہے میں اس کا انچارج ہوں روڈ سیفٹی کا, اور اس کے اوپر ہم نے تمام اضلاع کو فوکس کیا ہے جس میں تمام انڈسٹریز میں کام کرنے ورکرز اور یہ ہمارے خصوصاً جو ہمارا فیوچر ہے مستقبل میں جو ہمارا مستقبل ہے پاکستان کا بچے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم نے یہ چیزیں بتانی ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی اسٹیج پر یہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو, کیونکہ ایک بچہ جو ہے وہ جب اپنے گھر میں بتائے گا اپنے دوستوں کو بتائے گا تو معاشرے میں اسی طریقے سے یہ اویئرنیس جو ہے وہ یہ پھیلتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے اپنی بہت کامیابی حاصل کی ہے اور انشاءاللہ ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ تمام جب تک جتنے نیٹو ویلیجز ہیں یہاں پر جتنے بھی گاؤں لگتے ہیں ساتھ ان تمام اسکولوں میں کالجز میں ہم جائیں گے اور تمام بچوں کو یہ ہم اویئرنیس دیں گے انشاءاللہ. سر موٹر وے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو لائسنس ہے وہ تو بن جاتا ہے, لائسنس تقریباً ہر کسی کے پاس ہوتا ہے, لیکن لائسنس کے بعد جو ڈرائیونگ کی جو قانون ہے ضوابط نہیں ملتے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا سب سے پہلے میں یہ چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ دیکھیں جو لائسنس کا اجرا ہے یہ صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے, لیکن اب اس میں بھی وہاں پر بہت زبردست طریقے سے اس کی جو ریشو ہے بہت زبردست ہے, یعنی کہ وہاں پر پہلے اگر کسی جگہ پر لیپسز ہو سکتے ہیں تمام جگہ پر لیپسز ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لیپسز کی وجہ سے سسٹم خراب ہو جائے, تو ان لیپسز کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے طور پر بھی ٹریننگ کا انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں, اور جو ہمارے لیول پر ہے دیکھیں ہمارا فیڈرل گورنمنٹ ہے اور ہم اپنے لیول پر جو کام کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, باقی جو صوبائی کام ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ پبلک کے لیے ہر کوئی کام کر رہے ہیں اپنے پر. جی جیسا کہ آپ نے سنا جو موٹر وے پولیس کے یہاں پر میرے ساتھ ملازمین موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سیمینارز ہو رہے ہیں یہ اویئرنیس ہو رہی ہے اس سے موٹر وے پر جو ڈرائیونگ کے قوانین ہیں ضوابط ہیں اس سے بچے میں اور آنے والی نسلوں میں بہت سارا جو حادثات میں کمی پیش آئے گی, اور ان کا کہنا ہے کہ یہ موٹر وے نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے اور موٹر وے پولیس جو ہے وہ بالکل متحرک ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کام کو کامیاب کر کے رہے گی اور جو ٹریفک کے قوانین ہیں وہ بالکل اس سیمینار میں یہاں پر. قمر عباس ہمارے ساتھ آپ موجود تھے, ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شہر جڑاوالہ سے. بات کرتے ہیں ناظرین کراچی سے جہاں پر پیپلز پارٹی کی رہنما حیا امیر نیشنل میوزیم کی انتظامیہ کے خلاف وفاقی محتسب کے دفتر پہنچ گئی ہیں. کیوں وہاں پر پہنچی ہیں, کیا درخواست ہے ان کی, یہ جانیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ندیم شہزاد. ندیم آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی شہر قائد کے اندر ایک انوکھا واقعہ جس میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت رکھنے والی جو کارکنیں اور وہ بہت بڑی آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ہاتھ سے بھٹو خاندان کی تصاویر بنائی جن میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی تصویر, ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر, وزیر اعلیٰ سندھ کی تصویر اور دیگر منسٹرز کی تصاویر انہوں نے بنائی, ان کی وہ آرٹ شدہ جو تصاویر ہیں انہوں نے نیشنل میوزیم کراچی میں رکھی, وہاں سے وہ چوری ہو گئیں. اس کے بعد انہوں نے وفاقی محتسب کے دروازے پر دستک دی اور انہوں نے درخواست باقاعدہ طور پر جمع کروائی ہے. وفاقی محتسب نے وہاں چھاپا بھی ان کی ٹیم نے مارا. دو سندھ پینٹنگ جو برآمد بھی ہوئی ہیں ان سے ہم جاننا چاہتے ہیں جی کل ان پینٹنگس کی تعداد کتنی تھی اور یہ کیا معاملہ آپ بتائیں. بتانا چاہوں گی کہ محتسب اعلیٰ نے آج جب ریٹ ماری ہے تو وہاں سے دو پینٹنگ ہمیں ملی ہیں, اس کے بعد انہوں نے پورے میوزیم کو چھان لیا,
ایک ایک روم ہمیں دکھایا اور کہا کہ جب سندھ والے آپ نے یہ پینٹنگز کہاں رکھی تھی، کس کو دی تھی، نیشنل میوزیم تک یہ پینٹنگز پہنچی کیسے ہیں، اور یہ چوری ہوئی ہیں یا کس کے کنہوں نے یہ کی؟ میں نے انچارج ہمارے تھے بخاری شاہ صاحب، وہ مجھے سپورٹ کر رہے تھے، ان کے ہینڈ اوور کی تھی، اس کے بعد عمر قریشی صاحب اس کو دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے ہی یہ سارا سلسلہ ہوا ہے، پورا میوزیم گواہ ہے۔ میرا ایگزیبیشن ہوا تھا نیشنل میوزیم میں، اس میں آغا سراج درانی صاحب آئے تھے، اس کے بعد سے وہ وہیں سیف تھی۔ میں مزید کام کر رہی تھی کہ میں ایک بڑا سا ایگزیبیشن کروں گی، اس کے بعد میں نے جا کے دیکھا تو وہاں میری پینٹنگ غائب تھی، اور جس میں سے ہمیں صرف دو پینٹنگ ملی ہیں۔ وہاں کے انچارج کا کہنا ہے کہ جب سندھ والے جا رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہی لے گئے ہوں، تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ نیشنل میوزیم سے پینٹنگ کیسے غائب ہو سکتی ہیں۔ اس میں بلاول بھٹو کا بھی البم ہے اور باقی تمام کلچر اور سی اسکیپ موجود ہیں۔ جی یہ بتائیں پینٹنگ کی تعداد کتنی تھی، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کن کے پاس ہوں گی، اور اس وقت جو وزیر سردار شاہ تھے آپ نے ان کو درخواست دی باقاعدہ طور پر، اور کہاں کہاں آپ نے درخواستیں دی؟ میں سیدھی معتصب اعلیٰ کے پاس آئی ہوں، اور سردار شاہ صاحب کو بھی انفارم کیا، ان کو بھی میں نے اپلیکیشنز دیں، اکبر لغاری صاحب کو اپلیکیشن دی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہماری چار پینٹنگ چوری ہوئی ہیں اس کا کیس واپس لے لیں، اور جو باقی پینٹنگ ہیں وہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ اس کے لیے ہم جیسا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو پینٹنگز کی تعداد جو 80 کے قریب ہے، جن میں سے چار جو ہیں انہیں ملی ہیں اور دیگر پینٹنگز ابھی تک نہیں ملی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت رکھتی ہیں، ان کی آرٹ شدہ ان کے فن کی جو تصاویر تھیں وہ چوری ہونا لمحہ فکری ہے۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں ابھی وفاقی معتصب کے اس وقت دروازے پر دستک دے رہی ہیں، اور جو اس وقت کے منسٹر تھے سردار شاہ، ان کو بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر درخواست دی، اور دیگر بھی یہ در در کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ شورکوٹ سے ناظرین بات کرتے ہیں، جہاں پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں زکوٰۃ فنڈ ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے غریب اور مستحق مریضوں کو ادویات نہیں مل رہی ہیں۔ غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کریں۔ غلام شبیر طاہر، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ سے میں موجود ہوں ٹی ایچ کو ہاسپٹل شورکوٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جو سالانہ ان کو پاس سے جو فنڈز آتے ہیں، بیت المال سے جو فنڈ آتا ہے، محکمہ زکوٰۃ وشر کمیٹی سے جو فنڈ آتا ہے، ان سے لوگوں کے جو ہے علاج کروایا جاتا ہے۔ ان ڈاکٹر سہیل صاحب سے پوچھتے ہیں، جو سوشل میڈیکل آفیسر ہیں ہمارے، ان سے پوچھتے ہیں ان سے کہ آج کے حوالے سے کہ بتائیں گے کہ کتنے پیشنٹس کو انہوں نے میڈیسن دی ہے، اور کتنے پیشنٹس کے لیے میڈیسن ابھی وہ اویلیبل کر سکتے ہیں۔ جی صاحب، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی میں یہ سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو ادھر فنڈ ہوتا ہے وہ عشر زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ جھنگ کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ جو اس کا اینول فنڈ ہے وہ 6,59,000 ہے۔ وہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں جو ریشو ہے پیشنٹس کی وہ بہت زیادہ ہے، تو یہ جو فنڈ ہے اس لحاظ سے بہت کم ہے۔ یہ تقریباً 4 ماہ یہ چلا ہے یہ فنڈ، جس میں ہم نے 373 پیشنٹس کو ہم نے میڈیسن دی ہے، تو ابھی یہ فنڈ کی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو نیو سال، یہ نیو فائنینشیل ایئر ہے، اس میں ابھی تک فنڈ نہیں ملا، تو یہ امید ہے کہ یہ دسمبر تک یہ نیا فنڈ آ جائے گا۔ تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اب انہوں نے جو پیشنٹس کی جو فنڈز کی ریشو ہے وہ بھی بڑھا دی ہے، تو ان قریب یہ سننے میں یہ آیا کہ یہ اس بار جو ہاسپٹل کا یہ فنڈ ہے ہمارا، یہ تقریباً 11,00,000 سے زیادہ ہوگا، تو اس میں میرا خیال یہ کافی پیشنٹس کو فائدہ ہوگا۔ سر آپ بتائیے کہ آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں، آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے، تو آپ ان کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ جی اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے یہ پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی ہے، یہ مخیر حضرات کی ہے، یہ شور کورٹس کے جو جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، جو لوگ ہیں، یہ ان کے تعاون سے یہ ایک سوسائٹی چل رہی ہے۔ یہ ریسنٹ ہی ہم نے یہ تقریباً 15,00,000 کی کلیکشن کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ ہاسپٹل کو اس سال، یہ جو سال گزرا ہے، اس میں ہم نے تقریباً 15,00,000 کی میڈیسن دی تھی، یہ پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے تھی۔ تو اس دوران بھی ابھی جیسا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ہمیں ابھی تک نہیں ملا، تو یہ پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈیلی پیشنٹس کو میڈیسن دے رہے ہیں۔ جی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جن کے پاس زکوٰۃ عشر اور جو فنڈز آتے ہیں، حکومت کی طرف سے اس سال میں فنڈ جاری نہیں کیے گئے ہیں، لوگ جو مریض ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں، ان کو پراپر میڈیسن نہیں ملتی، ان کا یہ کہنا ہے۔ غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شورکوٹ سے۔ ناظرین حافظ آباد سے ہم بات کرتے ہیں، جہاں پر شہریوں کی سہولت کے لیے پولیس خدمت مرکز قائم کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس کے تعاون سے شہریوں کی سہولت کے لیے پولیس خدمت مرکز قائم کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں ہمارے رپورٹر شہباز گل، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ شہباز گل، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟
डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तावन से शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस खिदमत मरकज कायम किया गया, जहां पर शहरियों को फौरी तौर पर पुलिस खिदमत मरकज से बिना कतार में लगे बहुत ही कम वक्त में वो तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही है, जिसमें पुलिस सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन है, रिनोवल लाइसेंस है, फ्रेश लर्नर लाइसेंस है, FIR कापी जैसे वो तमाम तर एक ही छत के नीचे वो तमाम तर सहूलियात शहरियों को फराहम की जा रही हैं, जिससे पुलिस खिदमत मरकज के स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की काफियों से शहरी जो है वो बड़े मुतमिन नज़र आ रहे। सवाल है, यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आज यहाँ हम आए हैं पुलिस खिदमत सेंटर के अंदर, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, और जो नैरेटिव था लोगों के अंदर के पुलिस हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी, लेकिन आज उन्होंने हमें बिना किसी कतार के अंदर लगे हमें 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हमें उन्होंने जो है हमारा काम किया है, और हम अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से खुश हैं, और इस तरह के अच्छे काम होने चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर होने चाहिए। पंजाब सारे डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो जारी है। हाफजाबाद में हमारे 5 टोटल सेंटर्स हैं, जिसमें खिदमत मरकज हाफजाबाद है, साथ में हमने पिंडी भटियाँ के अवाम की जो पिंडी भटियाँ के तहसील के अवाम हैं उनकी सहूलत के लिए वहाँ पे खिदमत मरकज कायम किया है। साथ साथ THQ पिंडी भटियाँ DHQ में भी सेंटर्स यहाँ पे काम है, एक मोबाइल खिदमत मरकज है। तो पिछले तकरीबन एक साल के दौरान 32,000 से ज़ायद लोगों को 14 मुख्तलिफ सर्विसेज इस सेंटर के ज़रिए हम प्रोवाइड कर चुके हैं, जो वन विंडो फैसिलिटी है, और विद इन नो टाइम कोई 5 मिनट में 10 मिनट में मैक्सिमम 24 आवर्स में हम उनको करेक्टर सर्टिफिकेट बना के देते हैं। सारी टाइप के जो लाइसेंसेज हैं उनको यहाँ पे बन के मिलते हैं। तो ये एक इंतहाई अच्छी फैसिलिटी है, जिसकी वजह से हाफजाबाद के शहरियों को वन विंडो फैसिलिटी में उनके मसाइल हल हो रहे हैं, जिसके लिए उनको पहले कई दिन इंतज़ार करना पड़ता था। ज़िला भर में जो 32,000 से जायद जो लोगों को फैसिलिटेट किया गया, जिसमें पुलिस खिदमत मरकज की जानिब से एक पुलिस मोबाइल भी फराहम की गया, जिससे जो आवाम के दहलीज पर जाकर वो तमाम तर पुलिस मोबाइल जो है वो तमाम तर सहूलियात फराहम। ठीक है, शहबाज गुल हमारे साथ आप मौजूद थे, हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन खान का डोगरा से बात करेंगे, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शेखुपुरा भी रेस्क्यू अहलकारों के शाना बशाना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ वहां से मौजूदा शफीक अहमद जट, हम उनसे बात करेंगे। शफीक अहमद, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? मैं मौजूद हूं RSC खानगढ़ डोगरा पे, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ मियां रियाज, जो कि आज विजिट के तौर पर TH सफदराबाद और RSC खानगढ़ डोगरा आ रहे थे कि रास्ते में एक हादसा पेश आया। आए इनसे जानते हैं कि वो हादसा कहां पेश आया और आपने उनकी क्या मदद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जैसे आपने बताया कि मैं सफदराबाद से वापस आ रहा था, तो रास्ते में हम आते हुए देखा कि एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल को हिट किया है और दो लोग शख्स जो थे वो रोड के ऊपर गिर गए हैं। हमने वहाँ पर फौरन ही अपनी गाड़ी खड़ी की है और अपना सामान निकाल कर उसे जो हमारे पास अवेलेबल था उसी टाइम उसे फर्स्ट एड दी है, और फर्स्ट एड देने के बाद उसे हमने RSC अपनी ही गाड़ी में RSC में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, और उनकी गाड़ी जो थी वो भी हमने अपनी गाड़ी डाले में डालकर वो लेके आए, आगे वो उसके लवाकिन को हवाले कर दी। फौरन तिबी इमदाद मिलने की वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि बाबे का भी कोई खून नहीं जाया हुआ जो, और बच्चे का भी जो खून बह रहा था वो फौरन जाया होने से बच गया, और अब वो दोनों खुदा का शुक्र है बेहतर हालत में। जिसके अलावा हमारे साथ लवाकिन भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये डॉक्टर साहब की बहुत मेहरबानी, डॉक्टर साहब मौके पर पहुंचे तो उधर से उठाकर अस्पताल पहुंचाया, मेहरबानी डॉक्टर साहब की जी। जैसे कि आपने सुना, ये होता है हकीकी मसीहा, जिन्होंने मौके हादसा पर ना सिर्फ गाड़ी रोकी बल्कि उन्हें ट्रीटमेंट भी दी और अपनी ही गाड़ी में हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ठीक है, हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, टोबा टेक सिंह में स्पेशल बच्चों के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी अहमद इशाक ने जो है वो शिरकत की है। वहीं से हमारे रिपोर्टर मियां मौज़म अली हमारे साथ हैं। मौज़म अली, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला कौंसल हाल में, जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन स्कूल की तरफ से बच्चों का प्रोग्राम इनका किया गया है, जहाँ पर बच्चों ने मिली नगमे गाए और टेबलो पेश किए। इस वक्त हमारे साथ चीफ गेस्ट चौधरी मोहम्मद इशफाक साहब, मरकजी सदर पाकिस्तान तरीके साहब मौजूद हैं। ये इनसे पूछते हैं इसके हवाले, तकरीब के हवाले। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज दुनिया भर में स्पेशल बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी हर शहर में हर जगह ये दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो खसूसी बच्चे हैं ये खसूसी तवज्जो के मुस्तक हैं। हुकूमत भरपूर तरीके से इनको सपोर्ट कर रही है, इनकी तालीम का बंदोबस्त कर रही है, इनकी तरबियत का बंदोबस्त कर रही है, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है।
और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। इस तरह शनासी का जो सेहत कार्ड है उसमें भी इनके लिए स्पेशली तौर पे हुकूमत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि इनको वगैरह अद्वियात के कार्ड दिए जाएँ और इनको हर वो सहूलत दी जाए जो दूसरे लोगों को है, बल्कि उनसे ज़्यादा दी जाए क्योंकि ज़्यादा तवज्जो के मुस्तक हैं। तो जी जैसा कि चौधरी मोहम्मद शफा मरकजी नायब सदर ने बताया कि स्पेशल बच्चों के सिलसिले में हुकूमत अली हमारे साथ आप मौजूद थे, हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। सादिकाबाद से नाज़रीन बात करते हैं। सादिकाबाद जहाँ पर माची घोट का रेलवे स्टेशन हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं राव इमरान, हम उनसे बात करते हैं। राव इमरान, आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं सादिकाबाद के इलाका माछीगोट रेलवे स्टेशन पर। हकूमती अदम तवज्जी के बायस माछीगोट रेलवे स्टेशन खंडरात का मंजर पेश करने लगा। मजीद मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा इस रेलवे स्टेशन के हवाले से। रेलवे स्टेशन तो है लेकिन यहाँ पे हुकूमत ने कभी तवज्जो नहीं दी। आप देख सकते हैं ये खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, अमला भी मौजूद है लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुकती, जिस वजह से ना तो यहाँ के अमला को परेशानी है और ना ये जो आवाम है इनको शदीद परेशानी का सामना है। 2 से 3 लाख आबादी का ये इलाका है माछीगोट और इसमें 2 बड़े आज़म एशिया की बड़ी खाद फैक्ट्रियाँ हैं, 1 शुगर मिल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कभी हुकूमत ने इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी। आप ने देखा ये खंडरात के मंजर है पीछे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम बार बार अपील कर रहे हैं, इलाका के मकीनों ने बार बार एहतजाज किए लेकिन आज तक इस इलाके की नहीं सुनी गई। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से उम्मीद रखते हैं और वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब से बार बार ये मुतालबा करते हैं कि काश के इस इलाके पर तवज्जो दें और यहाँ पर कोई लोकल ट्रेन नहीं रुकती, यहाँ पर लोकल ट्रेनों को रोका जाए और जो बड़ी ट्रेनें हैं उनको रोका जाए ताकि यहाँ की जो 2-3 लाख आबादी है वो भी मुस्तफ़ीद हो सके। ये भी पाकिस्तानी है, हमारा भी हक है। हम बार बार अपील करेंगे और करते रहेंगे कि इस रेलवे स्टेशन पर फौरी तौर पर लोकल ट्रेनों को बहाल किया जाए। जी, आपने इलाका मकीन की बात सुनी। ठीक है रॉयल वहीद, हमारे साथ आप मौजूद थे सादिकाबाद से और सादिकाबाद की सूरत हाल आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी है। नाज़रीन, मंडी अहमदाबाद से बात करते हैं जहाँ पर बिजली के मीटर्स और लटकती तारें शहरियों के लिए बवाले जान बन चुकी हैं। वहाँ के हालात आपको दिखाते हैं, वहाँ के मंजर आपको दिखाते हैं और असलम भट्टो की जुबान जानते हैं कि वहाँ पर वापडा हुकाम क्या कर रहे हैं। असलम भट्टो, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल, इस वक्त मैं मेन बाज़ार में मौजूद हूं और जैसा कि आपको पीछे मेरे बिजली का पोल भी दिखाई दे रहा है, इसी तरह मंडी अहमदाबाद के अहम चौक और चौराहों में और अहम मुकामात में, मरूफ मुकामात में जगह जगह महकमा लेस को वापडा की जानब से जो बिजली के पोल लगाए गए हैं उन पर जो मीटर है इंतहाई नीचे लगाए गए हैं, जिनके जगह जगह से कट लगे हुए तारे जो हैं वो बिल्कुल नंगी हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का के सबब बन सकती है। इंतहाई कीमती इंसानी जानें जो हो ज़ाया हो सकती है। इस वक्त तो मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, ये आपके पीछे दुकान है और साथ खंबा है और ये नीचे मीटर लगे, क्या कहेंगे? ऐसे तो जनाब बड़े औखे हैं, देता हूँ ये मीटर उत्ते कितने जान उच्चे तारा तूर जो है फालतू कटिया जाम जिंद वजह भी इतने कुछ सू मथा ना बने, ये खंबा शार्ट हो जाता है, उनकी वजह सू बड़ी परेशानी रही, कई बार मीटर अग लगी है तो असं इन्होंने बजाया। आपने महकमा वापडा वाले को कहा है? आख्या जी उन्होंने, क्या कहते हैं? उन्होंने कर देने करा देने। जी जी, आप क्या कहेंगे जी? जी सर, ये बहुत ज़्यादा परेशानी है और जब से ये तारे जो बारिश होती है तो पानी सारे खंबा शार्ट हो जाता है। हमने कॉल भी की, मैंने खुद कॉल की वैसे ही और कहते थे कि हम कर देंगे लेकिन कभी किसी ने आगे सही नहीं किया और ना ही तारे सही किए। इतना ख़राब है कि रास्ते में जाता है कोई लोग तारे सारे में देख ले आप, सारी नंगे तारियाँ नीचे तक ये सारे इसके है वो और तारे जोड़ खुले हैं सारे शार्ट लगती है और ये बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है। इसको सही किया जाए, हम वापडा से अपील करते हैं महकमा से कि इसको सही। उनका यही कहना था कि महकमा लेस्को वापडा को मुतद्दद मरतबा कहा है, तो मैं आपको बताता चलो कि जो लेस्को वापडा के अफसरान बाला अपने दफ्तरों में बैठे हैं आंखें बंद करके बैठे, उनकी बेहसी और मुजरमाना गफलत का ये मुंह बोलता सबूत है कि जगह जगह से ये जो बिजली की तारे नंगी हैं किसी वक्त भी ये इंसानी जानों के लिए खतरे का सबब बढ़ सकती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब बारिश होती है तो उस वक्त तो बिल्कुल जो ये जो बिजली के पोल है इनमें करंट आ जाता। हमारे साथ आप मौजूद थे, हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। गुजरावाला से नाज़रीन बात करते हैं। गुजरावाला जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया के दावों और अहकामात के बावजूद भट्टों पर ईंटों के रेट कम नहीं हो सके हैं। 13,000 रुपये में 1,000 ईंट फरोख्त की जा रही है जबकि सरकारी रेट के मुताबिक ये 8,500 रुपये होने चाहिए।
ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت ندیم کرایا، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ شفقت، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، مہنگائی کا طوفان اس قدر آ چکا ہے کہ عوام سرپا احتجاج ہے، لیکن گورنمنٹ کے جو کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ وزیراعظم عمران خان کے آنے کے بعد عوام کو یہ امید تھی کہ ہمیں جو شاید ضروریات کم از کم بہت سستی ملے گی، ہمارے گھروں کے اندر حالات جو اچھے ہو جائیں گے، ہم اپنے بچوں کے اچھے طریقے سے پیٹ پال سکیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، جن لوگوں نے جو گھروں کے کام شروع کرائے ہوئے ہیں اپنے سر چھپانے کے لیے، اس وقت جب بٹوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں اینٹ کا ریٹ جو 12,000 سے اوپر ہو چکا ہے، لیکن گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 800 روپے سے کم ریٹ بنائے ہوئے ہیں تاکہ اس پر عمل درآمد کروائیں گے، لیکن جو پریکٹیکلی موجود ہے کہ اس کے اوپر بٹوں کے اوپر کہیں بھی گجرانوالہ شہر کے اندر گرد و نواح کے جتنے بھی بٹے ہیں وہاں پر 8500 میں ریٹ نہیں ہے اینٹ کا۔ اس وقت میرے ساتھ مزدور موجود ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جن کو مزدوریاں نہیں مل رہی، ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے حکومت سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ جی گل ہے جی، اس ٹائم ریٹ دی وجہ تو کوئی مکان شان نہیں بنواتا ہے، لوگ جانے نے بٹیاں تو واپس آ جانے، ریٹ کا ریٹ زیادہ ہے تو اتنے کا ریٹ کا ریٹ سستا ہوئے گا، ہر ایک بندہ اپنا گھر بنائے گا تو روزگار سارے لوگوں کا۔ شفقت ندیم گرایا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں ایک رپورٹ آپ کو دکھائیں گے عارف والا سے، جہاں پر تفریحی پارک انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہمارے رپورٹر محمد عتیق کی رپورٹ ہے، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عوام کو تفریحی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن آری والا کا واحد فیملی پارک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا جانے والا فاطمہ جناح پارک شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پارک میں رکھے گئے جانور غائب ہو چکے ہیں، جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، فیملی کے ساتھ آنے والے افراد شدید مایوسی کا شکار ہے۔ آری والا میں واحد فیملی پارک ہے، اس کے علاوہ آری والا میں کوئی پارک نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ آنے والے افراد کا کہنا ہے، ہم فاطمہ جناح پارک میں اپنے بچوں کو ادھر لے کر آئے، ادھر کروڑوں روپے کے فنڈ ضائع کیے ہوئے ہیں، کوئی مناسب انتظام نہیں ہے، جھولے وغیرہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، سیکورٹی کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ یہاں کا انتظام بہتر کیا جائے اور جھولے وغیرہ نئے لگائے جائیں تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہوں اور زیادہ سے زیادہ عوام پارک میں آ کے انجوائے کر سکیں۔ فیملی کے ساتھ بچوں کو گھمانے کے لیے لایا ہوں اور بالکل پارک کے حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں، پانی نہ ملنے سے وجہ سے پودے خوشگوار ہو چکے ہیں اور سارے طرف مٹی آتی ہے، گھاس سوکھ چکا ہے، اور اس میں کوئی حکومت کو چاہیے کہ کام کروانا چاہیے۔ پارک میں آنے والے بچے ٹوٹ پھوٹ کا شکار جھولوں کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں، چھٹی کا دن بچے کیسے منائیں؟ بچوں کا کہنا ہے، ہم یہاں پہ پارک میں کھیلنے آئے تھے مگر ہم نے دیکھا یہاں پہ کچھ کھیلنے کی جگہ ہی نہیں ہے، کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا ہے، جھولے ہیں تو ٹوٹے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ صحیح کرو، ان کو درست کروائے حالت۔ عوام اور بچوں نے انتظامیہ سے فوری نوٹس لیے۔ رپورٹ دیکھی آپ نے عارف والا سے۔ پروگرام کا ہمارا وقت آپ پر ختم ہو چکا ہے، ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔خدا کے گھر کو چلتے ہیں، مقدس سفر کے یادگار لمحات کو۔